الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم हो लाखों सलाम उस आका पर लाखों जिसने तोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए क्या कुछ न दिया उस हादी आलम ने इंसानों को दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए मेरे इंतहाई वाजिबुल कदर हजरात उलमाए किराम और शामीन मुकर्रम आप हजरात के सामने अभी सूरह अहज़ाब की आयत 46 तिलावत की गई जिसमें रब्बे करीम रब्बे लम यज़ल अपने महबूब महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का तज़किरा फरमा रहे हैं। मैं इसी मज़मून की मुनासबत से आप हजरात के सामने चंद मारूज़ात पेश करूँगा। हाज़रीन मुकर्रम ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, आज जो इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है हर तरफ इस्लाम के अनवारात और बरकात नजर आते हैं, ये उसी दावत का समरा है जिसको मेरे महबूब महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। वो दावत जो मेरे महबूब के बेसत का मकसद थी, यही वजह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत को लेकर कभी मक्का की गलियों का चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं तो कभी अहले हुनैन को ये दावत देते नजर आते हैं तो कभी अहले ताइफ की तरफ सफर करते नजर आते हैं। इस दावत के बदले में मेरे महबूब को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की मसाइब का सामना करता है। मेरे महबूब इस दावत से रुकते नहीं है, इखलास में कमी नहीं आती। मैं यूं कहूंगा मेरे नबी के इखलास बढ़ जाता है, दावत बढ़ जाती है। मेरा नबी कभी इजमालन दावत देते नजर आते हैं तो कभी एक एक जुज को बयान करते हुए नजर आते हैं। महबूब की इस अदा को जब रब्बे करीम देखता है तो कुरान कहता है वदाहियन इलल्लाह बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। मैं साहिब की तफसीर देखता हूं तो बहीकी वक्त काजी सनाउल्लाह अपनी तफसीर तफसीर मजहरी में फरमाते हैं कि अगर मेरे महबूब की जाहिरी दावत को देखा जाए, लिसानी दावत को देखा जाए, कौली दावत को देखा जाए तो कुरान दाहियन इलल्लाह कहता है, और अगर मेरे नबी के कल्बे अतहर के फैज को देखा जाए जो सबसे पहले सहाबा में मुंतकिल होता है फिर सहाबा के वास्ते से तमाम नाले इन्हें इंसानियत में फैलता चला जाता है तो कुरान सिराजम मुनीरा कहता है। मैं यूं कहूंगा कि तमाम की तमाम इंसानियत तारीकी में डूबी हुई थी, हर तरफ कुफर था शिरक था, अरे इंसान इंसानियत से दूर थे। आफ्ताब नबूवत तुलू होता है, हर तरफ इसकी किरणें फैलती हैं, जहां जहां इसकी किरण फैलती है अनवारात नजर आते हैं, बरकत नजर आते हैं, इंसान जीने का शऊर सीख लेते हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों से जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हाजरीन गरामी ये तो मेरे महबूब की दावत का तज़किरा था, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है इस दावत की इब्तिदा कहाँ से की जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। तो इस बात के जवाब में कुरान व अंदर आशीरतकल अक्रबीन कहता है कि इसकी इब्तिदा सबसे पहले अपने घरवार अपने खानदान अपने कुंबे कबीले से की जाए। मिसाइत की तफसीर में देखता हूँ हजरत अली का कौल नजर आता है, हजरत अली फरमाते हैं कि इस आयत का नाजिल होना था कि महबूब खुदा मुझे तलब करते हैं, कहते हैं ए अली औलाद अब्दुल मुत्तलिब को बुलाओ, मैं उन तक तौहीद पहुंचाना चाहता हूँ, दावत पहुंचाना चाहता हूँ। मैं इस आयत की मजीद तफसीर देखता हूँ तो हजरत अबू हुरैरा का कौल नजर आता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इस आयत का नाजिल होना था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कोहे सफा पे जाते हैं और अहले मक्का से
से खिताब करते हैं, قد لبثت فيكم عمرا من قبله هل وجدتموني صادقا او كاذبا। अरे अहल मक्का, यक लख्त होकर, यक जुबान होकर ये नारा हक बुलंद करते हैं, जर्रबना का मिरारा मा वजदना फीका इल्ला सिदका। अरे ऐ मोहम्मद, हमने आपको बातों में आजमाया, आप सादिक निकले, हमने अमानत में आजमाया, आप अमीन निकले, हमने किरदार देखा, आप बाकिरदार निकले, हमने अखलाक देखा, आप बाइखलाक निकले। नबी अपनी सीरत बयान करने के बाद, अपना किरदार पेश करने के बाद उनको दावत देते नजर आते हैं, फिर सवाल पैदा होता है, क्या ये दावत फकत कुंबे के लिए थी, कबीले की थी, अहले मक्का के लिए थी? तो कुरान कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहकर ये फरमाता है, ना बाबा ना, ये दावत फकत मक्का के लिए ना थी, तमाम आलम इंसानियत के लिए थी। मैं इस आयत की तफसीर सीरत की रोशनी में देखता हूँ तो मोहम्मद मुस्तफा मुझे अपना वतन अजीज मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करते हुए नजर आते हैं। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, हुजूर इस हिदावत को कैसरो किसरा तक खत्तो किताबत के जरिए पहुंचाते हैं। बात यहाँ भी नहीं रुकती, हुजूर हजरत माज को, हजरत अली को यमन की तरफ ये दावत दे के भेजते हैं और हिदायत के तौर पर बशीरु वला तुनफिरु यसिरु वला तुअसिरु का उसलूब सिखलाते हैं और ये बताते हैं, अरे अली, ऐ माज, तुम यमन में जाओ तो लोगों के लिए इस तरह दावत दे रहा, इस उसलूब के ऊपर दावत दे रहा, मैं कुर्बान जाऊं सहाबा पर, मैं कुर्बान जाऊं उन हस्तियों पर जो इस दावत को लेकर निकले, ऐसे निकले कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, हरे दुनिया को इससे मुनव्वर कर दिया और दीवाने हाल से दुनिया को और उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे गए, हमें दावत इलाही को आम करना है, हमें दावत इलाही को आम करना है, जहाए कुल में दबदबाए इस्लाम करना है, जिस काम के लिए आए बस वही काम करना है, जिस काम के लिए आए बस वही काम करना है, सर जाए तो जाए हमें इस्लाम को आम करना है। हाजरीन गरामी, आज के इस दौर में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसी उसलूब, उसी अखलाक, उन्हीं आदात, उन्हीं तरीकों को लेकर दुनिया में निकलें और उस दावत को उसी तरह पहुंचाएं जिस तरह सहाबा ने पहुंचाया, जिस तरह साबिकीन ने पहुंचाया। फिर हम देखेंगे कि वही अनवारात, वही बरकात नजर आएंगे। आखिर मैं इतना ही कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी उसलूब पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।